देखिए ये क्वेश्चन है, इसे आप क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे लेट वाई इक्वल्स टू साइन एक्स होल टू द पावर कॉस प्लस एक्स टू द पावर साइन एक्स, राइट। तो वाई इक्वल्स टू ऐसे यू मान लेते हैं, ऐसे वी मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहां पर जो है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, राइट। तो डी वाई ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स, राइट। इसे इक्वेशन वन मान लेंगे, ठीक है। नाउ जो यू माना था हमने उसे लिख लेंगे यू इक्वल्स टू साइन एक्स होल टू द पावर कॉस एक्स। अब लॉग लेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका पावर ही वेरिएबल है, राइट। तो कॉस एक्स आगे आ जाएगा, ठीक है। लॉग साइन एक्स इसे हम मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकंड, ठीक है कि नहीं। तो वन अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज लॉग साइन एक्स टू कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, राइट। इज इट क्लियर ना? यस सर, क्लियर। आगे जो है आगे डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा, यू यहां पहुंचेगा ब्रैकेट, तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, राइट। और माइनस का साइन एक्स आगे लिख लेते हैं लॉग कॉस लॉग साइन एक्स, राइट। यू का वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ये कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी एक्स, ये वैल्यू आ गई ना हमारे पास। इसी तरह से v इक्वल्स टू कितना माना था x टू द पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है ना। यस, कितना हो जाएगा v इक्वल्स टू साइन एक्स आगे आएगा लॉग एक्स हो गया, ठीक है। इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, लॉग v का होगा वन अपॉन v dv ओवर dx, राइट। फर्स्ट एज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट। वी को यहाँ पहुंचा देंगे डी वी ओवर डी एक्स और वी की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स टू द पावर साइन एक्स, राइट। ये कितना हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है ना, प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। ये डी वी ओवर डी एक्स आ गया और ये आ गया डी ओवर डी एक्स, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। वैल्यूज ऑफ टी यू ओवर डी एक्स एंड टी वी ओवर डी एक्स इन इक्वेशन वन, ठीक है। ओके, इसे करके दिखाइए, ठीक है, ए वाला क्वेश्चन। यस, पावर एक्स कॉस एक्स इसे मान लेंगे हम यू, ठीक है ना, इसे मानेंगे यू, ठीक है। इसे यू मान लेते हैं, इसे भी मान लो, डेरिवेटिव करेंगे जस्ट इसके बाद। इक्वेशन वन मान लेंगे, ठीक है। अभी हम बारी बारी से जो है यू लेंगे एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, लॉग लेंगे इसका, लॉग यू इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स
ये दोनों आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। एक्स इंटू, हेलो हेलो, एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। बात समझ आ रही है आपके? हाँ सर समझ में। ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ थ्री फंक्शन है राइट, एक ये है, एक ये है और एक ये है राइट। इस केस में क्या करेंगे, u इक्वल्स टू जो log u दे रखा ना, इसे आप क्या करेंगे, फर्स्ट टू को एक मान लो या फिर x cos x को मानेंगे एक, ठीक है ना। प्रोडक्ट केवल दो में अप्लाई होगा ना। हाँ सर। log x को मान लो अलग, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन u du ओवर dx। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, x cos x into 1 upon x plus log x into dx of x into cos x, right? Yes, sir. देखो यहाँ ही product of two functions है, ठीक है ना? Yes. U ले जाएंगे इधर, x से x cancel हो जाएगा, right? हाँ। यहाँ बचेगा cos x प्लस लॉग एक्स, यहाँ फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव वन हो जाएगा राइट। यस। u का वैल्यू पुट कर देंगे x टू दी पावर x cos x, ठीक है ना, और ये हो जाएगा cos x माइनस साइन माइनस q प्लस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर log x का, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, x एक देखो ये हो जाएगा वो कुछ इस तरह से माइनस x sin x into log x राइट, x sin x into log x, ठीक है, प्लस cos x into log x। ये बात समझ में आ गई ना आपको? बेटा ऐसे ही जो है ना, ऐसे ही v equals to assume कर लेंगे ये वाला, x square plus 1 upon x square minus 1। तो यहाँ log लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसे तो आप ऐसे कर लो u upon v मान के, ठीक है, quotient rule लगा के, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं? यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं है राइट। तो dv ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, u का डेरिवेटिव 2x माइनस u एज इट इज, v का डेरिवेटिव 2x राइट, मल्टीप्लाई करो तो 2x का अंदर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस 2x राइट, माइनस 2x माइनस माइनस 2 क्यूब प्लस माइनस 2x सही है क्या? ये दोनों क्या होंगे, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ du ओवर dx राइट, dv ओवर dx yes. समझे? अब ये वैल्यू जो है ना और ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। आपको सही माही बताओ कि नहीं? यस सर। अब जो है एक्सरसाइज आपको करना है यही 5.5, ठीक है, आज इतने ही कराते हैं, ठीक है, और अभी एक तो रिव्यू कर देना, ठीक है, थैंक यू, एक रिव्यू कर देना और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यस यस ओके अक्षता, थैंक यू।